नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखेंगे। आज गैफी और रानी अपने गुल्लक में जोड़े हुए रुपयों को गिन रही हैं। अपनी अपनी गुल्लक के रुपए गिन ही रही थी कि तभी रानी को एक विचार आया। गैफी, क्यों ना हम अपने रुपयों को एक साथ रख कर प्रश्न पहेलियों वाला खेल खेले। क्या बात है रानी, बहुत अच्छा विचार है, मजा आएगा। मेरे पास 48 रुपए हैं। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं रानी? मेरे पास 30 रुपए हैं। गैफी और रानी ने अपने रुपयों को एक जगह रख दिए। गैफी और रानी दोनों सोचने लगे। बच्चों, क्या आप गैफी और रानी की प्रश्न पहेलियां बनाने में मदद करेंगे? बहुत खूब बच्चों, इस पहेली से हम जोड़ से संबंधित एक प्रश्न पहेली बना सकते हैं। यदि कैफी के पास 48 रुपए हैं, रानी के पास 30 रुपए हैं, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? बच्चों, जोड़ के सवाल बनाने के लिए हम कुल रुपए, कुल वस्तुओं की संख्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, इस पहेली से हम घटाव से संबंधित एक प्रश्न पहेली बना सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा, इस पहेली से हम घटाव से संबंधित एक प्रश्न पहेली भी बना सकते हैं। यदि कैफी के पास 48 रुपए हैं, रानी के पास 30 रुपए हैं, किसके पास ज्यादा रुपए हैं और कितने ज्यादा रुपए हैं? इस घटाव का प्रश्न बनाने के लिए कितनी ज्यादा, कितना अंतर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए ऐसी ही एक और प्रश्न पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं। गैफी के पास 95 रुपए हैं, उसने 65 रुपए खर्च कर दिए। बच्चों, आपको क्या लगता है, इससे कौन सी प्रश्न पहेली बन सकती है? आपने बिल्कुल सही सोचा, हम इस प्रश्न से घटाव की प्रश्न पहेली बना सकते हैं। गैफी के पास 95 रुपए थे, उसने 65 रुपए खर्च कर दिए। गैफी के पास अब कितने रुपए बचे हैं? बच्चों, है ना ये मजेदार खेल? अब आपकी बारी है, स्क्रीन पर दी गई पहेली से जोड़ और घटाव से संबंधित एक एक प्रश्न पहेली बनाएं। एक कमरे में एक कोने में 37 बोरियां रखी हैं और दूसरे कोने में 51 बोरियां रखी हैं। इस पहेली से प्रश्न पहेली बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 99 तक जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न पहेलियां बनाना सीखा।